कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जानने से पहले हम जानते हैं एनर्जी के बारे में। कोई भी काम करने की क्षमता को एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी के मुख्य दो प्रकार होते हैं, पहला पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तीन मुख्य भाग हैं। पहला, एनर्जी को ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। दूसरा, एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक कन्वर्ट की जा सकती है। तीसरा, एनर्जी कोई भी सिस्टम में कांस्टेंट रहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो हम खुद क्रिएट करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें नेचुरल फॉर्म में जो अवेलेबल एनर्जीज होती है, जैसे कि सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हम इन एनर्जीज को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि आप जब घर पे आपका बल्ब चालू करते हो तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम दो चीजों में कन्वर्ट करते हैं थ्रू बल्ब, जो है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। अब एनर्जी के बारे में आपको और कुछ जानना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में।